सुरभ्यो नमः। आज मैं आपको व्यापार बाधा दूर करने का प्रयोग बता रहा हूँ। इसको करने से व्यापार में आ रही समस्याएं दूर होती हैं और व्यापार वृद्धि होती है, धन का आगमन होता है। सामने जो यंत्र दिखाई दे रहा है, इसे एक सफ़ेद कागज़ पर बना लें। इसे बाधा निवारक यंत्र कहते हैं। पूजन सामग्री में चाहिए 100 ग्राम सिंदूर, तेल का दीपक और लोबान। साधना सामग्री में चाहिए बाधा निवारक यंत्र तथा काली हकीक माला। दिन रविवार, समय दिन या रात का कोई भी समय ले सकते हैं। आसन में काला सूती आसन लेना है और अपना मुख पश्चिम दिशा की ओर करना है। कुल जप संख्या 10,000 है, जो कि हमें अवधि है 5 दिन या 11 दिन में पूरी कर लेनी है। मंत्र इस प्रकार से है। ओम ह्रीम व्यापार सिद्धिम देही देही नमः। साधना विधान, ये प्रयोग किसी भी रविवार को प्रारंभ किया जा सकता है। इस साधना हेतु काले रंग के वस्त्र धारण करें तथा काला सूती आसन ही बिछाएं। पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके बैठें। अपने सामने बाजोट यानी लकड़ी की चौकी पर बिठाकर उस पर बाधा निवारक यंत्र स्थापित कर दें और अपने दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली का रक्त थोड़ा सा निकाल कर उस पर लगा दें। यंत्र के नीचे 100 ग्राम सिंदूर रख दें, तेल का दीपक तथा लोबान धूप जला दें। ऐसा करने के उपरांत काली हकीक माला से उपरोक्त मंत्र का जप प्रारंभ करना चाहिए। साधना हेतु कोई निश्चित समय सीमा नहीं है, परंतु 10,000 मंत्र जप आवश्यक है। जब 10,000 मंत्र जप पूरा हो जाए तो यदि संभव हो तो अपनी दुकान या प्रतिष्ठान के सामने जमीन में इस बाधा निवारक यंत्र तथा माला को सिंदूर के साथ काले रंग के वस्त्र में बांध कर गाड़ दें। यदि ऐसा संभव नहीं हो तो काले कपड़े में बांध कर नदी में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से व्यापार में जो भी बाधा पहुंचाने वाले हैं या वाणिज्य व्यवस्था में कोई कष्ट दे रहा है तो वह शांत हो जाता है और वशीभूत होकर सहायक हो जाता है। जय गुरुदेव।